मानो सौतन कम थी, अब तो सौतन की बेटी भी चाल चलने लगी है। हम बात कर रहे हैं सीरियल गुड्डन की, जहां पर पहली बार, मतलब हालांकि इनका ये दूसरा करवा चौथ था, लेकिन पहली बार बड़ी ही दिल से, बड़ी ही शिद्दत से रखा था हमारी गुड्डन ने करवा चौथ का व्रत। लेकिन ये जो सौतन की बेटी है ना, ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह गुड्डन का व्रत जो है ना वो टूट जाए। गुड्डन के करवा चौथ के व्रत पर खतरा बनकर आई है ये चुटकी। गुड्डन के करवा चौथ के व्रत को तोड़वाने की चुटकी ने की है कोशिश। करवा चौथ के लिए तैयारी कर रही गुड्डन पर कुछ ऐसा पाउडर फूंक दिया है चुटकी ने, जिससे गुड्डन को एलर्जी है और अब तो गुड्डन को पानी पीकर ही व्रत तोड़ना पड़ेगा। मगर गुड्डन अपने इरादों पर अटल है, उसने पानी पीने से मना कर दिया। फिर बारी आई चांद देखकर व्रत तोड़ने की। तब वहाँ अक्षत जिंदल मौजूद नहीं थे, तो गुड्डन ने उनसे फोन पर बात कर ली और समय पर आने के लिए कह दिया। मगर अक्षत जिंदल यानी कि एजे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कहते हुए चुटकी ने गुड्डन के कमरे में एंट्री कर ली और उसे डराने धमकाने लग गई, क्योंकि उसने अनिशा के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है ये कह दिया। अनिशा बस मेरा एक मोहरा है और उसे मैं पहले ही बता चुकी थी तुम्हारी इस नौटंकी के बारे में। शर्म नहीं आती है तुझे? मुझ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम वहां दे 12 घंटे पूरे हो गए, मतलब आधा चैलेंज तो तुम वैसे ही हार दोगे। अब 12 घंटे और बाकी है, तो चार नौटंकी करनी है तो कर लो अपने मन को तसल्ली देने के लिए। लेकिन एक बात बता दो, मगर गुड्डन कहाँ हारने वाली है। हाँ, कुछ पलों के बाद चुटकी को जरूर हार मिली जब उसने देखा कि घर के ड्राइंग रूम में उसकी योजना पर पानी फेरते हुए अनिशा ने पूजा और हवन शुरू करवा दिया है और वहाँ गुड्डन के पति एजे की भी एंट्री हो गई है। तो चुटकी को आ गया गुस्सा, वो परेशान हो गई और अनिशा से सवाल पूछने लग गई। अनिशा ने कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर दिखाया, हवन की समाप्ति पर अनिशा ने अपने हाथ में अंतरा भवन लिखी हुई नई तख्ती दिखाई तो सब चौंक गए, क्योंकि अब जिंदल हाउस को अंतरा भवन बनाने पर तुली है अनिशा, तो परेशानी तो होगी ही। सब अनिशा के पीछे पीछे घर के बाहर पहुंच गए, मगर यहां से परेशानी नहीं, यहां खुशी भी छाई है। केक काटा गया और एक दूसरे को खिलाया गया, क्योंकि सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के 300 एपिसोड जो पूरे हुए हैं और इसी बात का यहाँ सब मिलकर जश्न मना रहे हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल गठबंधन में भैया ये अक्षय और रघु दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह धनक के सामने अपने नंबर बढ़ा ले, लेकिन भैया ये जो लेटेस्ट चाल चली है ना, इसमें अक्षय के नंबर तो छोड़िए, मुझे तो लगता है इनका पत्ता ही ना कट जाए। देखिए आप भी। रघु ने फोड़ दिया अक्षय का भांडा, उसकी सच्चाई आ गई धनक के सामने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो पैर पर पट्टी लगाकर पैर में चोट का ड्रामा कर रहा था। मगर रघु ने कुछ ऐसी चाल चली कि अक्षय खुद ही दौड़ता हुआ धनक के सामने आ गया और धनक को पता चल गया कि अक्षय ड्रामा कर रहा था। किसी ने मेरे बिस्तर पे कीला क्या? किसी ने क्या? ये इस रघु ने रखा तुम्हारा पैर। क्या हुआ? तकलीफ हो रही होता है जब दाव गलत रहता है, तकलीफ तो मैं मानता हूँ, वैसे भी गलत इरादे क्यों तो बहुत छोटी होती है।
अक्षय का भांडा फोड़ने के लिए रघु ने अक्षय के बेड पर बहुत सारे कील बिछा दिए थे। अक्षय ने ये कील देखे मगर वो खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये बात धनक को बताकर वो धनक को रघु के खिलाफ भड़का देगा और अपने नंबर बढ़ा लेगा। अक्षय आया अपनी मर्जी से और जाएगा भी अपनी मर्जी से, और साथ में रौनक और धनक को लेके। तेरे खिलाफ बहुत बड़ा चक्रव्यूह प्लान किया है मैंने रघु, जिंदगी भर इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। रघु भी कील बिछाकर अपनी आई की पंटर के साथ डांस करते करते पहुंच गया डाइनिंग टेबल की ओर, जहां उसका छोटा सा नन्हा सा बेटा नाश्ता करने बैठा था, और बेटे को कहा भी कि अभी कुछ ही देर में ऐसा प्रोग्राम देखने मिलेगा जिसे देखकर खुशी मिलेगी। और हुआ भी ऐसा ही। अक्षय दौड़ता हुआ रघु की फरियाद लेकर आया, मगर इस चक्कर में भूल गया कि वो तो अपने खुद के ड्रामे की पोल खोल रहा है। तो रघु को मिली जीत और अक्षय को मिली हार। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल तेनाली रामा में अब हो गई है एंट्री रति पांडे की। जी हाँ, और रति आई है तो उस किरदार में जो लेने वाला है तेनाली की परीक्षा। रति पांडे की एंट्री हो गई है सीरियल तेनाली रामा में। वो बनकर आई हैं राजकुमारी देवयानी। ये राजकुमारी देवयानी पहुंची हैं विजयनगर राज्य में तेनाली रामा को चुनौती देने। राजकुमारी देवयानी ने रामा कृष्ण से एक पहेली पूछी है, जिसका जवाब रामा कृष्ण को देना पड़ेगा, और वो भी तय समय मर्यादा में। और देखिए, समय की रेत आगे बढ़ रही है, मगर तेनाली रामा के चेहरे पर अभी से 12 बजे हैं, क्योंकि ये राजकुमारी दिव्यानी की पहेली है ही कुछ ऐसी जिसका जवाब देना कठिन है, और अगर नहीं दे पाए तो राज्य पर खतरा भी है। सो इट्स अ वन एंड वन सिचुएशन, जहाँ पे एक बुद्धिजीवी, मतलब एक बुद्धिमान राजकुमारी का टक्कर हो रहा है एक बुद्धिमान इंसान के साथ, जिनका नाम है रामाकृष्णा जी। तो इट्स जस्ट अ सीन जहाँ पे पहेली लेकर आई हूँ मैं, बहुत सारे वहाँ पे रामाकृष्णा जी को सॉल्व करना होगा, और जहाँ सॉल्व करते हैं, जहाँ उत्तर देते हैं, वहीं पे उनका राज्य वो पा सकते हैं। मतलब एवरी डे शी विल आस्क वन एंड वन क्वेश्चन टू रामा जी, और उसका अगर सॉल्व कर देते हैं तो विजयनगर वो पा सकते हैं। राजकुमारी दिव्यानी स्वयं भी एक पहेली है। वो 16 श्रृंगार करती है, खूबसूरत दिखती है, मगर हाँ, उसकी खूबसूरती और उसका दम महारानी पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि महारानी देवयानी के कमरे में गई थी उन्हें सलाह देने के लिए, क्योंकि देवयानी ने दुश्मन की तारीफ जो कर दी थी। देवयानी ने तेनाली रामा की तारीफ करके गलती की, इसलिए महारानी उन्हें सलाह देने आई थी। शत्रु की प्रशंसा करना दूसरे शत्रु को शोभा नहीं, सबके समक्ष। मगर देवयानी ने महारानी को ही ऐसी कुछ सुना दी कि महारानी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, और देवयानी अपनी जीत पर खुश हो गई, क्योंकि भले ही राजसभा में ना सही, कम से कम अपने कमरे में तो जीत गई। क्योंकि देखिए, राजसभा में तेनाली रामा के गले में फूलों की मालाएं देखकर आप समझ ही गए होंगे कि रामा कृष्ण पहले का जवाब देने में कामयाब हो ही गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एक और बेब आ गई है, बेब नहीं है तो बेबे हैं, मेरा मतलब है हनुमान सिंह की चाची है, और चाची ने आते ही जो क्लास लगाई मिनी की। जी हाँ, मिनी के मिनी कपड़ों में, अब इतने भी मिनी नहीं थे जितना चाची जी भड़क गई। आई टेल यू,
हनुमान सिंह के घर आई हैं उनकी चाची, और इस चाची ने आते ही सबकी क्लास लगा दी, पहले हनुमान सिंह की, क्योंकि वो स्टेशन लेने ना आया और ना ही स्टेशन पे उन्हें मिला उनका भेजा हुआ लाला। थारे अफसर ने थारे को भेजा था कि ना? भेजा था ना, तो मन्ना लेके आना चाहिए ना थारे को। भेजा था, मैं लेने भी गया था जी, आपको ट्रेन के डब्बे में ढूंढा भी, आप पर मेरे को कहीं मिले नहीं। फिर चाची ने मिनी को देखा और मिनी के मिनी कपड़े देखकर भड़क गईं। हनुमान सिंह ने कहा भी कि ये तो नए जमाने का फैशन है, मगर चाची को फैशन कहाँ भाता है। छोरी पूरे गांव का, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देवे की, कठे है हा? थारे कपड़े कठे है, ये सलवार कहाँ है, ओढ़नी कहाँ है, आधे कपड़े पहन के आ गई छोरी। मिनी थोड़ी परेशान हुई तो बबीता ने हाथ जोड़कर शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि हनुमान की ये चाची हनुमान सिंह के लिए बहुत खास है ना। वो चाहती कि वो खुश होकर ही घर से जाए, आशीर्वाद दे, और थोड़े बड़े बुजुर्ग होते भी ऐसे थोड़े से सन की किस्म के होते हैं, बबीता इस बात को समझती है, एक्सपीरियंस्ड है, तो बबीता को तो अब खैर बुरा नहीं लग रहा है, और वो तो जैसा सब जानती है वो प्यार में डूबी हुई है हनुमान सिंह के, तो उन्हें खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। चाची जी आई हैं नवरात्रि के मौके पर, और यहाँ नवरात्रि की समाप्ति पर कंजी का भोज शुरू हुआ है। चाची को यहाँ भी कुछ दिक्कत हो गई, बबीता और मिनी ने जो कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया है उसको लेकर, क्योंकि बहू अगर बाहर का काम करेगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा, यही सवाल चाची को सता रहा है। ऑब्वियसली चाची परेशान नहीं करेगी, पर वो उनको थोड़ा आचार संहिता है, व्रत है, जो नहीं आता है वो सब सिखाएगी, क्योंकि चाची को ये है कि जो बाहर काम करते हैं उसको घर का काम नहीं आता है, लेकिन जो बहू है वो निपुण है, वो घर का काम भी करती है, बाहर का काम भी करती है, तो सब कुछ अच्छे से समतोल करती है। भाई जब तक ये चाची जी यहाँ पर हैं, मिनी थोड़ी परेशान रहेगी, बबीता डरी हुई रहेगी, हनुमान बैलेंसिंग करता रहेगा, और चाची नुक्स निकालती रहेंगी, और ऐसा ही सास बहू का ड्रामा दर्शकों को दिखता रहेगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल छोटी सरदारनी में हमारे जो सरबजीत है ना, वो पहुंच गए हैं अनाथ आश्रम में, काम अच्छा करने गए हैं, बच्चों को वहां पर कहानी सुना रहे हैं, कहानी विद अ मॉरल, यानी जिसमें सीख हो, लेकिन न जाने क्यों सीख देते देते ऐसा लग रहा है कहीं ये मेहर को ताने तो नहीं दे रहे। छोटी सरदारनी के सरबजीत अपने बेटे परम के साथ पहुंचे हैं एक अनाथ आश्रम में, वहां मौजूद बच्चों को लैपटॉप और टैब गिफ्ट करने के लिए, लेकिन वहां उनका आमना सामना हो गया महर से, और महर को देखते ही उन्होंने बच्चों को कुछ ऐसी बात सुनाई जो बच्चों के लिए सीख थी, मगर महर के लिए शायद वो एक बड़ा ताना था। मैं बच्चों को यही अच्छी बात बता रहा हूँ कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और चोरी करो भी तो उसके लिए सबूत पेश कीजिए, उसके लिए अपनी कोरी सफाई मत दीजिए। इसलिए मैं कट होने के बाद यही गाना गा रहा था, कोरा कागज है ये मन मेरा। अब सवाल तो आपके मन में ये होगा ही कि आखिर इस अनाथ आश्रम में मेहर कर क्या रही थी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि मेहर जब अपने ससुराल से बैग लेकर निकल गई थी तो वहाँ से सीधे वो इसी अनाथालय में आई थी आसरा लेने के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ के घर जाना नहीं चाहती थी। तो चलिए मेहर से ही जान लेते हैं कि आखिर वो अपने ससुराल वाले घर से इस अनाथालय तक कैसे पहुँची। रास्ते में मुझे दो अजीब से लड़के मिलते हैं जो मुझे छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, लकीली मुझे वहाँ पे लकड़ी मिल जाती है, एंड बिकॉज आई हैव बीन समवन हु इज बीन एक्टिव इन स्पोर्ट्स, एंड तो मैंने उनको डरा के भगा दिया। लकीली जब मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही थी मुझे एक वीर जी मिल गए जिनको देखकर ऐसा लगा कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे, एंड मैंने उनको बस एक रिक्वेस्ट करी कि आज की रात अब बस सेफली मुझे ऐसी जगह पहुंचा दें जहां मेरी इज्जत बच जाए। तो लकीली आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड कि मैं एक सेफ जगह पे हूँ। मेहर अपने ससुराल वालों से नाराज है, अपने सरबजीत से नाराज है, तो सरबजीत और परम भी मेहर से नाराज है। अब ये नाराजगी और गलतफहमी कैसे दूर होगी और कैसे मेहर इस अनाथालय से अपने ससुराल वापस पहुंचेगी, इस सवाल का जवाब जानने के लिए
हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे बाबा बवाल हो गया, मैं कहती हूँ कि धमाल हो गया, एकदम सनसनी फैल गई। बात दरअसल ये है कि ये रिश्ते हैं प्यार के में, अबीर और मिश्ती की शादी की डेट क्या फिक्स हुई। भैया घर वालों ने तो कमाल कर दिया, मेरा मतलब है बवाल कर दिया। अपनी माँ की बात काट कर ये कर रहे हो तो जो कुछ भी मिश्ती ने हमारे साथ किया, जो कुछ भी हमने उसकी वजह से सहा, उसके बाद मिश्ती हमारे घर में नहीं आ सकती। फिलहाल मेरी दृष्टि में मिश्ती इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरी दृष्टि में इम्पोर्टेंट है तेरे बाबा। अबीर और मिस्टी की शादी क्या तय हुई, यहाँ तो कुणाल ने पहाड़ सर पे उठा लिया। अपनी माँ के इस फैसले से वो इतना नाराज हुआ कि अब वो कुछ भी कर सकता है। आज मैं आपको कसम देता हूँ, जो कुछ भी मिस्टी ने हमारे साथ किया, जो कुछ भी हमने उसकी वजह से सहा, उसके बाद मिस्टी हमारे घर में नहीं आ सकती। इसका एहसास कुहू के परिवार वालों और मीनाक्षी देवी दोनों को हो गया है। अब कुणाल ने सरेआम इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर अबीर और मिस्टी की शादी हुई तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो अब ये शादी होने नहीं देगा। अपनी माँ की बात काट कर ये कर रहे हो तो ऐसी परिस्थिति में अगर तुम अपनी माँ का साथ नहीं दे रहे हो तो कम से कम अपनी माँ के खिलाफ मत जाओ, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ कुणाल। ये मीनाक्षी देवी और कुहू इन दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुहू को भी पता है कि अबीर और मिस्टी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों सही हैं। वहीं दूसरी ओर अपने पति मेहुल को नीचा दिखाने के लिए मीनाक्षी देवी अबीर और मिस्टी की शादी के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि फिलहाल मेरी दृष्टि में मिस्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरी दृष्टि में इम्पोर्टेंट है तेरे बाबा। ये सारी बिसात तुम्हारे बाबा ने बिछाई है, मेहुल कापड़िया ने। तुम अबीर मिष्टी सब मेहुल कापड़िया के मोहरे हो, मोहरे। अब इतने बड़े फैसले के बाद अंजाम क्या निकलेगा उसको देखने के लिए तो फिर थोड़ा इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टीवी की दुनिया ना है बड़ी कमाल की, यहाँ पर कहानी कहाँ जाते जाते कहाँ मुड़ जाती है पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, कल तक तो डॉक्टर ईशानी और डॉक्टर सिड जो है वो करीब आ रहे थे, लेकिन न जाने क्या हुआ आज कि डॉक्टर सिड दूरी बनाने लग गए हैं ईशानी से। गुस्से में हैं डॉक्टर सिद्धार्थ और अपना गुस्सा उतार रहे हैं डॉक्टर ईशानी पर। अभी कल ही तो यहाँ हो रही शादी में दोनों कितने खुश थे, दोनों को प्यार का एहसास भी हो गया था, और आज दूसरे ही दिन डॉक्टर सिद्धार्थ ईशानी पर गुस्सा बरसाने लग गए। आखिर ये मामला है क्या, कहाँ गया डॉक्टर सिड का प्यार, यही जानने ईशानी पहुंच गई डॉक्टर सिड के कमरे पर। दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी, मगर डॉक्टर सिद्धार्थ ने कुछ देर तक तो दरवाजा खोला ही नहीं। जब डॉक्टर ईशानी ने कहा कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, जब तक आप उससे बात नहीं कर लेते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने दरवाजा खोला जरूर मगर बिना जवाब दिए फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वो कारण बहुत डीप है ना, सो इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। I mean, I,
मैं नहीं चाहता कि उसको अभी कन्फ्रंट करूँ और उसको समझाऊँ, बिकॉज वो बहुत डीप पेन में है एंड उसको वो जो उसके पुराने वूंड्स हैं वो अभी थोड़े ताज़े हो गए हैं एंड उसको बहुत बुरा लग रहा है डॉक्टर सिड को, एंड दैट्स हाउ ही इज़ इन पेन राइट नाउ. सो वो ही इज़ नॉट एबल टू गिव हर द रीज़न एंड ही डजंट वॉन्ट टू गिव हर द रीज़न, सो ही जस्ट वॉन्ट्स टू स्टे अवे. कि चाहे तू उसको पुश करेगा तभी वो, मतलब रूडली करेगा तभी वो शायद दूर जाए. ईशानी को बुरा तो लगा मगर वो आज डॉक्टर सिड से अपने सवालों का जवाब पाकर ही जाना चाहती है, इसलिए उसने तो सिद्धार्थ के कमरे के बाहर डेरा जमा लिया है और डॉक्टर सिड का फिर से इंतजार करने बैठ गई है. अब डॉक्टर सिड जो दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कब तक ये दूरी बरकरार रख पाएंगे और अपने आप को कब तक रोक पाएंगे, ये देखने में मजा आएगा. मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट. गलियां में हमारी जो शांतनु है ना, बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से पुचकी और शिकावत की शादी टूट जाए. अब शादी तो टूटी नहीं, लेकिन इनकी ये चाल चलने से ना बेचारी पुचकी का दिल जरूर टूट गया. पुचकी यानी अस्मिता ने जड़ दिया चांटा कृषि के गाल पर, क्योंकि उसने कृषि और शिखावत को एक साथ एक ही बेड पर देख लिया है. शिखावत के गाल पर कृषि की लिपस्टिक के दाग भी हैं और कृषि की इस हरकत पर गुस्सा होकर अस्मिता ने उसके गाल पर जोरदार चांटा दे मारा और साथ ही साथ ये जान भी लिया कि आखिर इस हरकत के पीछे का असली कारण क्या है. नहीं, मुझे शिखावत जी पर भरोसा है, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे. सो आई नो ये किसी की चाल थी. अब किसकी थी ये मुझे इसी सीन में पता चलता है एंड आई एम लिटरली शॉक्ड. और आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट से पता चल ही गया होगा कि किसकी चाल थी और उसने ऐसा क्यों किया, वो तो मैं बाद में जानूंगी, उसकी खबर भी लूंगी. कृषि को यहाँ भेजा था शांतनु ने ही ताकि पुचकी और शेखावत की शादी ना हो पाए. और कृषि को यहाँ भेजने से पहले कृषि में किसी मर्द को फंसाने का टैलेंट है कि नहीं, इस बात को जांचा भी गया था. कृषि ने कोशिश की थी शान को सिड्यूस करने की, मगर शान तो अपने मोबाइल गेम में इतना बिजी था कि उस पर कृषि की हरकतों का कोई असर ही नहीं हो रहा था. फिर भी उसने भेज दिया शेखावत को फंसाने. एक्चुअली होता है ना, आप अगर किसी को अगर अपने कंपनी में वर्किंग के लिए लाते हैं या एम्प्लॉय बनाते हैं तो अपना टैलेंट दिखाते हैं कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो वो वही कर रही हैं. एंड वो मुझे कोशिश कर रही हैं ऐसे सेड्यूस करने का, बट मतलब अब मैं खुद ही उनको ट्रैप के लिए लेके आया हूँ तो ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मर होनी चाहिए. अब वो अलग बात है, वो मुझ पर काम नहीं आ रहा है बिकॉज मेरा अलग ही जोन चल रहा है, शान का अलग जोन है. बट यस, डेफिनेटली ये ट्रैप काम करेगा एंड कुछ तो ट्विस्ट आएंगे और कुछ तो मज़ा आने वाला है. अस्मिता और शेखावत की शादी रोकने की कोशिश कर रहा है शांतनु, मगर उसने जो हरकत की है उसके कारण अस्मिता और ज्यादा नाराज हो गई है. न जाने शांतनु कैसे रोक पाएगा अस्मिता और शेखावत की शादी. मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट. नई
नई नवेली दुल्हन रिप्सी का ये पहला करवा चौथ है और अपने इस पहले करवा चौथ को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने होम टाउन ससुराल पहुंची है कोलकाता। जरा देखिए इस 16 श्रृंगार कर रिप्सी तैयार है तो वहीं शरद इंतजार कर रहे हैं कि कब चांद निकले और वो रिप्सी का व्रत तोड़े। इस वक्त हम आ गए हैं महाराणा प्रताप और उनकी महारानी के साथ टेरेस पर करवा चौथ के मौके पर। करवा चौथ है और पहला एक्सपीरियंस है, ऐसे कई बार मैंने किए हैं काफ़ी शोज़ में चांद को देखना छन्नी के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो है रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं सच बताऊँ रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा हम एग्जैजरेट करते हैं, बहुत ड्रामेटिक होता है, बट दिस इज़ वेरी वेरी रियल। जल्दी अब ये खाना खाएंगे, सबको बहुत भूख लग रही है। मेरी बहन है, मेरे जिया जी हैं, पूरा परिवार है, रिप्सी है और कलकत्ते में मतलब एक पहला करवा चौथ मनाना इट्स बहुत स्पेशल है मेरे लिए। कुछ पल के इंतजार के बाद चांद निकला और इन्होंने करवा चौथ की पूजा की। शरद मल्होत्रा का पूरा परिवार इस मौके पर मौजूद था। Like I said, हाँ अब भूख लग रही है, बट लाइक आई सेड ना शरद की हर रोज वेट करते करते प्रैक्टिस हो गई है बिना खाए अपने आप को कंट्रोल करके शांति से बैठे रहने की। प्रैक्टिस हो गई इनकी भी अच्छी है, मेरी भी हो गई है। तो बस ये आई थिंक आज का दिन इतना मुश्किल नहीं था जितना लगा था कि मुश्किल होगा। क्यों? आई टोल्ड हिम कि मैं सामने बैठे रहूँ, मुझे भूख नहीं लगेगी। मैं बताऊँ आपको, मुझसे फिल्मी ये है, देखिए ये मैं बताऊँ, ये लाइनें मैं नहीं बोलूँगा, ये लाइनें बोलूँगा तब जब मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन ये क्या, ये दिल से बोलती है, मुझे तो पैसे मिल नहीं रहे, ये पैसे नहीं मिल रहे। अब रिप्सी आपका पहला करवा चौथ है तो आपको बता देते हैं कि करवा चौथ में पतियों से तोहफे भी लिए जाते हैं, तो आप शरद को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कोलकाता से रूमा पॉल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।